तो आज की क्लास में हम लोग एमएस वर्ड के असाइनमेंट नंबर 12 को करेंगे, जिसमें हमें इंसर्ट ऑप्शन के शेप ऑप्शन का यूज़ करना है। तो हमको दो प्रकार के शेप यहाँ पर बनाने होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 12 को करने के लिए हमको दो शेप बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में जाऊँगा। शेप ऑप्शन में हमको यहाँ पर मिल रहा है, ये शेप है हमारा, पहला शेप हमको यहाँ पर बनाने के लिए मिला। और जो दूसरा शेप है वो कुछ इस तरीके से है, ये वाला, ये बनाना है हमको। तो ये भी हमको इंसर्ट में शेप ऑप्शन में मिलेगा, और ये है ये वाला शेप। ये दोनों ही शेप को हम यहाँ पर बना सकते हैं। पहले शेप में कुछ डिटेल लिखी हुई है और दूसरे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ से रीसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। तो पहले शेप में क्या लिखा है, वेलकम, और दूसरे में लिखा है पीसी सॉफ्टवेयर। तो हमको यहाँ पर वेलकम लिखना है। वेलकम लिखने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट, और हमको यहाँ पर लिखना है वेलकम। लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं पहले करता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट साइज हम बड़ा कर दिए और बोल्ड कर दिए, सेंटर कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। फॉन्ट आपको जितना बड़ा करना है करिए। अलाइनमेंट भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेट करने के लिए आप इसको इस तरीके से अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर। तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं, जैसे आपको कलरफुल चाहिए तो। वैसे ही यहाँ पर पीसी सॉफ्टवेयर लिखा हुआ चाहिए, तो इसको आप एडजस्ट करिए। देखिए ये इसकी रिबन भी छोटी बड़ी होती है, रिबन को भी आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो मैंने इस रिबन को एडजस्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट, हमको यहाँ लिखना है पीसी और सॉफ्टवेयर। आप अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया है, होम में गए हम लोग, सेंटर किए, फॉन्ट बड़ा किए, बोल्ड कर दिए, और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसा एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए फिर फॉर्मेट में जा करके इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। कलर देना है तो आप यहाँ पर कुछ कलर दे सकते हैं, कुछ इसमें 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं। आपके ऊपर है कि 3D इफ़ेक्ट देना है कि नहीं देना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3D इफ़ेक्ट, या इसको रोटेट कराना है किसी तरीके से। तो ये हमारा असाइनमेंट नंबर 12, जो कि इंसर्ट ऑप्शन में शेप वाला जो पॉइंट है वो सिखाने के लिए था हमको।